Hey guys, what's up? I'm Dipali Verma and welcome back to my channel. तो आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो जैसे कि आप लोग मुझे कई बार DMs करते हो कि मैम प्लीज़ बताओ कॉन्टैक्ट लेंसेज किस तरह से पहनते हैं ताकि हम केयरफुली पहन पाएँ और हमारी आइज़ में इरीटेशन ना हो या आइज़ को कहीं भी यू नो नुकसान ना पहुँचे. तो इसी तरह के कुछ आपके DMs आते हैं. तो जैसे कि आप सबने देखा है कि मैं अपनी वीडियोज़ में, अपने सॉन्ग्स में, मूवीज़ में मैं काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन चुकी हूँ. लाइक मैंने ग्रे भी ट्राई कर लिया है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, हेजल ब्राउन भी. सो काफ़ी सारे कलर्स मैं ट्राई कर चुकी हूँ एंड सारे ही कलर्स मुझे अच्छे लगे हैं अभी तक. बट जो मेरा फेवरेट कलर है ना, डेट इज़ हेजल ब्राउन. ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हेजल ब्राउन. मतलब एकदम से मोर नेचुरल एंड यूनिक सा लुक देता है वो मुझे और मेरी आईज़ को. सो आज भी मैं हेजल ब्राउन ही पहनने वाली हूँ मेरे शूट के लिए. कैमरा सेटअप थोड़ा सा कर लेते हैं. ठीक, तो यहाँ पर कोई ट्राइपॉड या कुछ नहीं है, मुझे जो भी करना पड़ रहा है, पता नहीं कैसे कैसे मैंने सेटअप लगाया है. तो जब भी हम नए लेंस परचेज करते हैं तो इस तरह की कुछ पैकेट में आता है, ये फ्रेश लुक के लेंसेज हैं. हाँ आ जाओ इसमें. हाँ आ जाओ, बस मेरे को 2 मिनट लगेगी ये लेंस पहनने बस. तो ये इस तरह के कुछ लेंसेज हैं, इसमें 2 लेंसेज आते हैं, दोनों ही हेजल ब्राउन कलर के हैं और इसके अंदर सॉल्यूशन भी है. तो सबसे पहले इस वाली आई का हम पहन लेते हैं, राइट आई का. तो अभी मैं इसका ये रैपर हटा रही हूँ लेंस को बाहर निकालने के लिए. एंड गाइज याद रखें आपके हैंड्स बहुत क्लीन हो. तो इस तरह से पहले लेंस को फिंगर में ले लेना है. ठीक है, सॉल्यूशन इसके अंदर है, ये बिगड़ ना जाए. तो लेंस को डब्बी से बाहर निकालने के बाद आपको इस तरह से अपने हथेली पर रख लेना है. और याद रखें आपको नेल से नहीं टच करना है बिल्कुल भी, सिर्फ फिंगर टच करनी है और ऐसे फिंगर के ऊपर सर्कल बना लेना है. और अभी इस तरह से मैं अपने आई बोल के ऊपर इसको लगा लूँगी. आई बोल के ऊपर अगर नहीं जाता है तो डोंट बी वरीड, अगर आई बोल के नीचे भी रह जाता है थोड़ा सा इस तरह से तो हम सेट कर लेंगे दाएं बाएं ऊपर नीचे देख के इस तरह से. फिर आईज़ को इस तरह से थोड़ी देर के लिए बंद कर लेना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए. और सेट होने के बाद हो सकता है हल्का फुल्का पानी भी आए आपके आईज़ में, तो ऐसे मत समझना कि इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ भी, इट्स नॉर्मल. तो ये सोल्यूशन भी इसके अंदर होता है तो सोल्यूशन वेस्ट नहीं करना है. अच्छा एक चीज़ और, शुरू में ना ये थोड़ा सा चुभता ही है तो बेस्ट तरीका ये है, पहले इस लेंस को ऐसे फिंगर पे ले लो आप ऐसे. ठीक है, ये देखो इसमें से मैंने लेंस को ऐसे निकाला फिंगर के ऊपर, हाथ पे ये सॉल्यूशन ले लिया. और हाँ, आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए. इसको ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लो, थोड़ा सा इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके. इस तरह से इसको सर्कल बना लेना वापस से और लगा लेना. ऐसे छोड़ देना इधर इधर, नीचे ऊपर देखना है, इसको बंद कर लेना. लगा? यस, लग गया. तो मैंने दोनों लेंस पहन लिए. ये वाला लेंस एकदम परफेक्टली सेट हो गया जैसे कि आपने देखा है. इस लेंस में ना हल्का सा चुभ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको बिना सॉफ्ट करे अप्लाई कर दिया था. तो पहले आप इसको सॉल्यूशन में अच्छे से डिप कर लेना, सॉफ्ट कर लेना, उसके बाद ही आप पहनना. ठीक है, और अभी मुझे भागना है शूट के लिए. तो मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो में. बाय.